है एवरीवन, वेलकम बैक। ओके सो हमने लास्टली देखा था चैप्टर नंबर 1 एंड 2, एंड नाउ हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 से लेके। ओके चलिए हम चालू करते हैं चैप्टर नंबर 3। सो देखिए चैप्टर नंबर 3 है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें जो एडिट हुआ है हमारा, सबसे पहले हुआ है हमारा एडिट कैन यू रिकॉल। ओके ये कैन यू रिकॉल का फर्स्ट पॉइंट हुआ है पूरा का पूरा। ओके ये फर्स्ट पॉइंट हुआ है पूरा का पूरा, सेकेंड पॉइंट भी हुआ है, एंड साथ ही साथ में क्या हुआ है थर्ड पॉइंट भी हुआ है। ओके एंड साथ ही साथ में इसका हुआ है फुल पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा एडिटेड। ओके सो यहाँ से लेके पूरा एडिटेड ये हो चुका है। ओके सो नाउ केमिकल रिएक्शन भी इसके साथ ही एडिट हुआ है, इसके साथ पूरा पैराग्राफ एडिट हुआ है, एंड साथ ही साथ में हमारा टेबल भी जो है ये पूरा एडिट हो चुका है। ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास पूरा एडिटेड है। ओके सो ये केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन का फर्स्ट पेज है हमारे पास, पेज नंबर 36, ठीक है। 36 में से इतना हमारा क्या हुआ है एडिट हो चुका है। अब ना चलिए हम आगे चलते हैं पेज नंबर 31 की तरफ। पेज नंबर 31 में ये देखिए, पेज नंबर 31 में आ गए हम। पेज नंबर 31 में हमारे पास जो एडिट हुआ है 3.3 का ऑब्जर्वेशन टेबल, क्या हुआ है 3.3 का हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल। ओके ये 3.3 का हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन टेबल हमारा हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल हुआ है हमारा एडिट। ओके इतना हमारा क्या हुआ है एडिटेड, ठीक है ना। पेज नंबर हम चलते अभी आगे, पेज नंबर 32 एज इट इज़ है। ओके 32 एज इट इज़ है पेज नंबर, हम चलते हैं 33 के तरफ। 33 में हुआ है हमारे पास जो एडिटेड है 33 में, ठीक है 33 में चलते हैं हम, 33 में पहुँच गए। 33 में हमारा हुआ है एडिटेड जो पार्ट है वो है ट्राई दिस का फुल पैराग्राफ, डू यू नो एंड फाइंड आउट। ओके ये ट्राई दिस का पूरा पैराग्राफ, ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ तक पूरा ये पूरा ट्राई दिस। ओके ट्राई दिस का फुल, ये ट्राई दिस का पूरा। ओके ट्राई दिस का पूरा हुआ है ना। अब देखिए एक बात याद रखने वाली है, ये जो आपकी रिएक्शन है इसके बारे में अभी तक नहीं बताया, ठीक है। ट्राई दिस का फुल बोला है प्रोसीजर के साथ, बट ये रिएक्शन जो है ना AgNO3+NaCl AgCl तो ये नहीं बताया, ठीक है। तो ये हो सके तो प्लीज़ रिएक्शन देख लेना, हो सकता है कि आपको एक मार्क या दो मार्क के लिए रिएक्शन पूछ ली जाए। ओके तो प्लीज़ इसको थोड़ा, इसके बारे में बताया नहीं गया तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा देखना, और हो सके तो इसको मैं तो जब अपना लेक्चर करवाऊँगा तो उसमें मैं काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताऊँगा, तो प्लीज़ आप इसको पढ़ लेना, ठीक है छोड़ना मत इसको, इसको पढ़ लेना। ओके इसके साथ में हुआ है डू यू नो एंड साथ में फाइंड आउट, ठीक है ये डू यू नो एंड फाइंड आउट हुआ है एडिट। ओके नाउ कम टू पेज नंबर 35। अब पेज नंबर 34 एज इट इज़ है, ठीक है। पेज नंबर 35 में हम आ रहे हैं, पेज नंबर 35 में है सिर्फ और सिर्फ यूज़ योर ब्रेन पार के 3 पॉइंट्स, यूज़ योर ब्रेन पार के 3 पॉइंट्स, ठीक है फर्स्ट सेकेंड एंड ये थर्ड, ठीक है थर्ड का ए एंड बी, इतना हुआ है, ठीक है पेज नंबर 36 में। अब आते हैं हम पेज नंबर 35 का हो गया, पेज नंबर 36 में आते हैं हम, ठीक है। पेज नंबर 36 में है हमारे पास जो एडिटेड पार्ट है वो है यूज़ योर ब्रेन पार एंड ट्राई दिस, ठीक है यूज़ योर ब्रेन पार एंड ट्राई दिस। चलो देखते हैं हम यूज़ योर ब्रेन पार एंड ट्राई दिस में, यूज़ योर ब्रेन पार का इतना एडिट हुआ है इतना, ठीक है एंड ट्राई दिस में हुआ है अपैरेटस केमिकल एंड प्रोसीजर का इतना, ठीक है व्हाट इज़ द एक्टिविटी, ये इतना हुआ है, ठीक है ना। याद रखना ये जो हमारे ब्लैक लाइन में दिख रहा है आपको, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इट इज़ कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये है आपके सिलेबस में, ठीक है ये डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब ये आने वाली है, ठीक है ये आने वाली है, मैंने इसको कट नहीं किया है। ओके चलो हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको शुगर कार्बन की रिएक्शन, ठीक है शुगर की रिएक्शन दिख रही है, जो कि क्या हो रहा है एक तरीके से यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिकम्पोज हो रहा है, तो ठीक है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, तो रिएक्शन भी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है तो ये रिएक्शन मैं बताऊंगा और ये रिएक्शन को भी पढ़ना, ये भी आपको पूछ सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, ठीक है। सो पेज नंबर 37 में चलते हैं हम, पेज नंबर 37 में, पेज नंबर 37 में कहा है हमको कैन यू रिकॉल का सेंटेंस, ये कैन यू रिकॉल का ये जो सेंटेंस है इसको एडिट कर दिया गया है, ठीक है ये कैन यू रिकॉल का इतना सेंटेंस को क्या किया है एडिट किया है ना। चलो आगे चलते हैं, पेज नंबर 37 हो गया, पेज नंबर 38 इंपॉर्टेंट पेज है, पेज नंबर 38 एज इट इज़ है, ठीक है। अब पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 में ये आ गया हमारा पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 में कहता है ट्राई दिस,
ओके ट्राई दिस का पूरा, ट्राई दिस का पूरा ये जो पैराग्राफ दिख रहा है आपको पूरा है, एंड कैन यू रिकॉल के 6 पॉइंट्स है, ठीक है। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ जाए अच्छे से, ओके जस्ट लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम, चलो ये देखते हैं हम। सो देखिए जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा और नीचे होना चाहिए ये ना। तो पेज नंबर 39 में कहता है हमको कि ट्राई दिस से पूरा है, यहाँ पे ये जो ट्राई दिस दिख रहा है आपको ये पूरा है, ओके ये पूरा है हमारे पास ये पूरा, ठीक है। ट्राई दिस पूरा प्रोसीजर तक के एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज इट इज़ है आपके सिलेबस में, ठीक है। एंड कैन यू टेल के, कैन यू टेल के ये 6 पॉइंट्स, ठीक है। ये कैन यू टेल के हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ओके ये कैन यू टेल के 6 पॉइंट्स है जो नहीं आ रहे, ठीक है। ये हो गया पेज नंबर 39। अब 40, अब पेज नंबर 40 की बात करें हम, पेज नंबर 40 तो एज इट इज़ है हमारे पास। पेज नंबर 41 में, पेज नंबर 41 में कहता है हमको सिर्फ और सिर्फ डू यू नो, क्या कहता है हमको, डू यू नो को एडिट कर दो, ठीक है। तो डू यू नो को क्या कर दे रहे हम, एडिट कर दे रहे, ओके डू यू नो ना 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 ना। चलते हम पेज नंबर 42 की तरफ, 42 में है हमारे पास, 42 में है फिर से हमारे पास डू यू नो यूज़ योर ब्रेन पार के 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो डू यू नो, डू यू नो फिर से डू यू नो, ज़्यादा करके डू यू नो को हर तरीके से काट दिया है इन्होंने, कुछ ही ऐसे चैप्टर्स है जिसमें डू यू नो को रखा है, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं इसके बारे में आपको अपने लेक्चर्स में बताते रहता हूँ हमेशा, ठीक है। सो और यूज़ योर ब्रेन पार भी हमारे पास एडिटेड है और मैं बताऊँगा भी, ओके सो याद रखना मैं तो इन्फॉर्मेशन नॉलेज देते रहूँगा आपको, आपको नहीं लिखना है मत लिखना, बट सुन लेना पढ़ना इट इज़ मस्ट, ठीक है, क्योंकि वो नॉलेज वेस्ट नहीं जाती। अब पेज नंबर चलते हैं हम, 42 हो गया हमारे पास, 42 हो गया हमारे पास। पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 में है हमारे पास कैन यू टेल एंड यूज योर ब्रेन पावर, ओके पेज नंबर 43 में 2 पॉइंट्स है इसके, 1 एंड 2 यूज योर ब्रेन पावर के है हमारे पास, 1 एंड 2 एंड 3, ठीक है। जितना दिया है उतना ही बताऊंगा मैं ना। कैन यू डू यू नो के बारे में दिया है पेज नंबर 42 में, जस्ट अ सेकेंड, ये आ गया हमारे पास पेज नंबर 42 यूज योर ब्रेन पार, ओ हाँ हाँ पेज नंबर 42 में, पेज नंबर 42 में इतना था, मैं फिर से करा देता हूँ एक और बार। पेज नंबर 42 में है डू यू नो इतना, ओके ये पेज नंबर 42 में डू यू नो और ये यूज योर ब्रेन पार के 2 पॉइंट्स, ठीक है, यूज योर ब्रेन पार के 2 पॉइंट्स। देन पेज नंबर 43 में, पेज नंबर 43 में है कैन यू टेल, ओके कैन यू टेल की 2 लाइन्स है सिर्फ और यूज योर ब्रेन पार के है 3 पॉइंट्स। चलो पेज नंबर 43 में कैन यू टेल के सिर्फ 2 लाइन्स, ठीक है, ये 2 लाइन्स को मैंने एडिट कर दिया है इतना, और साथ में है यूज़ योर ब्रेन पार के 3 पॉइंट्स, यूज़ योर ब्रेन पार के 1 2 एंड 3 पॉइंट्स, ओके ये 3 पॉइंट्स है हमारे पास, इतना हो गया। पेज नंबर 44 में हमारे पास सिर्फ इतना सा फाइंड आउट करके, सिर्फ इतना सा, ठीक है, फाइंड आउट पेज नंबर 44 में है फाइंड आउट। नो केम टू द चैप्टर नंबर 4, अभी एज इट इज़ है पूरा हमारे पास। बस पेज नंबर 46 में देखना, पेज नंबर 46 में प्रोजेक्ट के बारे में दे, और वैसे मैं आपको बता दूँ प्रोजेक्ट विजेक्ट के बारे में आप तो कुछ करते हैं नहीं और ये वैसे भी एडिट करके स्किप कर दिया है, तो पेज नंबर 46 में ये प्रोजेक्ट काट दिया आपको, ठीक है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, मुझे पता है आप सब कोई करते हैं नहीं। चैप्टर नंबर फोर के बारे में हम देखेंगे। पेज नंबर 47 में है कैन यू रिकॉल एंड फुल ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है, पेज नंबर ये है 47, ठीक है, पेज नंबर 47 में है हमारे पास कैन यू रिकॉल का पूरा, ये कैन यू रिकॉल का पहला पॉइंट, ठीक है, कैन यू रिकॉल का पूरा पैराग्राफ एंड साथ में ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कस, ठीक है, साथ में ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कस, ठीक है, तो जो भी ऑब्जर्वेशन नीचे दिया है ना आपको वो सब, ठीक है, इतना एडिट हो चुका है हमारे पास। अब पेज नंबर 48 में है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, पेज नंबर 48 में हमारे पास ये दिख रहा है पेज नंबर 48, इसमें सिर्फ और सिर्फ
थिंक अबाउट इट, क्या है ये थिंक अबाउट इट, इतना ही ठीक है, बाकी सब एनसीटीज आने वाला ठीक है। थिंक अबाउट इट है हमारे पास जो एडिट हो चुका है, स्किप हो चुका है। पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 में है ऑलवेज रिमेंबर एंड फाइंड आउट ठीक है। पेज नंबर 49 में है हमारे पास ऑलवेज रिमेंबर, ये ऑलवेज रिमेंबर एंड ये फाइंड आउट ठीक है, ये फाइंड आउट ठीक है, इतना एडिट हो चुका है ठीक है। ये दोनों पॉइंट ऑलवेज रिमेंबर एंड फाइंड आउट। नाउ पेज नंबर 50, चलो पेज नंबर 50 में है सिर्फ और सिर्फ डू यू नो, क्या है पेज नंबर 50 में सिर्फ और सिर्फ ये डू यू नो, पेज नंबर 50 में है डू यू नो ठीक है, डू यू नो करके पेज नंबर 50 में देखिए ये एमसीबी के बारे में है। ये डू यू नो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स कि इसको कहते हैं मिनिएचर ठीक है, मिनिएचर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, जो एमसीबी आप एड्स देखते होंगे ठीक है, तो ये काफ़ी होम अप्लायंसेस में यूज़ होता है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आनी चाहिए ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊँगा मेरे लेक्चर्स में जब मैं अपलोड करूँगा ठीक है, आप लगे रहना। पेज नंबर 52 में चलते हैं, 51 एज इट इज़ है ठीक है, उसमें से सब कुछ आने वाला है। पेज नंबर 52 में देखिए ये जो हमारे बेचारे साइंटिस्ट है जिन्होंने बुक्स बनाई, बुक्स के बारे में रेफरेंस दिया, सब कुछ दिया ठीक है, मतलब उनके ही थेरीज की वजह से ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हम ये बुक लिख पाए और उनको ही यहाँ से स्किप कर दिया ठीक है। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट ये पूरा स्किप है ठीक है, हमारे हैंस क्रिश्चियन इनके बारे में पूरा ये चार्ट क्या है स्किप हो चुका है ठीक है। अब इसके साथ में क्या है ऑलवेज रिमेंबर भी ठीक है, नीचे चलते हैं हम ऑलवेज रिमेंबर, ये ऑलवेज रिमेंबर भी क्या है एज इट इज़ स्किप हो चुका है ठीक है, ये ऑलवेज रिमेंबर भी क्या हो चुका है पेज नंबर 52 से स्किप हो चुका है ओके। पेज नंबर 52 हो गया, देन पेज नंबर 57, पेज नंबर 57 में आते हैं हम डायरेक्ट, तो काफ़ी पेज नंबर यहाँ तक 53 से लेके 56 तक एज इट इज़ आने वाला ठीक है। पेज नंबर 57 में है गैल्वेनोमीटर, क्या है गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर क्या है हमारा पहला पैराग्राफ पूरा क्या है स्किप हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ पहला पहला दिया है ठीक है, इन्होंने बाकी सब इन्होंने कुछ नहीं कहा, पहला पैराग्राफ इन्होंने क्या किया स्किप किया। पेज नंबर 58 ठीक है, चलो हम चलते पेज नंबर 58 के पास। 58 में फिर से हमारे पास क्या है हमारे वन ऑफ दी ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो मैं तो जिनको काफ़ी मानता हूँ माइकल फराडे ठीक है, मैं इनके बारे में आपको बताऊँगा, मैं वीडियोस निकालूंगा, अभी कोशिश करूंगा कि साइंटिस्ट के बारे में वीडियोस निकालना चालू करूं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं उनके बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में कि उन्होंने कितनी मेहनत की ठीक है। तो ये हमारे 58 में इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट माइकल फराडे ये भी क्या है स्किप कर दिए गए ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं एडिट कर देते ठीक है, इतना हो गया। पेज नंबर 59 में आते हैं हम, पेज नंबर 59 की जो बात है ACDC को पूरा काट दिया गया है ठीक है, ACDC को क्या कर दिया है पूरा का पूरा काट दिया गया है ठीक है। ACDC यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड, ACDC हमारा क्या कर दिया है पूरा एडिट कर दिया है ठीक है। ये आ गए हम ACDC पे, ACDC पे आ गए हम, ACDC पे आ गए हम, थोड़ा सा मैं सबको बढ़ा देता हूँ, ACDC का पूरा क्या कर दिया है एडिट कर दिया है ठीक है, ये ACDC आपको पूरा का पूरा एडिट कर दिया गया है। सो आपको ये इतना कुछ करना ही नहीं है ओके, ACDC आपको इतना कुछ करना ही नहीं है ठीक है, ये इतना ACDC आपको करना ही नहीं है ठीक है। बट याद रखना इलेक्ट्रिक जनरेटर आ रहा है ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो आ रहा है ठीक है, ACDC नहीं आ रहा है, पूरा कैंसिल है, बट इलेक्ट्रिक जनरेटर आ रहा है ठीक है। चलो अभी एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी ये जो पेज नंबर हमारे पास है 60, पेज नंबर 60 में ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ठीक है, व्हाट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ DC जनरेटर ठीक है, तो ये भी क्या हो चुका है स्किप हो चुका है ओके, ये भी क्या हो चुका है स्किप हो चुका है ओके, इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ ओके, इसको भी स्किप कर देता हूँ मैं, चलो ये भी हो गया स्किप। बट ये जो नीचे लिखा है ना, यूज़ योर ब्रेन पर ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ DC जनरेटर देन एक्सप्लेन हाउ द DC करंट इज ऑब्टेंड, तो ये इसके बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब ये आ रहा है ठीक है, ये इतना आ रहा है, बाकी ये जो मैंने एडिट किया है वो तो नहीं आ रहा है ठीक है। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 के पास चलते हम,
हीट, तो हीट में दिया है हमको पेज नंबर 62 में सिर्फ और सिर्फ ट्राई दिस करके, पेज नंबर 62 में ट्राई दिस, ये जो ट्राई दिस दिया है इसके जो 7 पॉइंट है वो नहीं आ रहे, ठीक है। ट्राई दिस के जो 7 पॉइंट है वो क्या हो गए, एडिट हो चुके हैं। तो यहाँ से ट्राई दिस को मैं हटा देता हूँ, ये क्या हो चुके हैं, एडिट हो चुके हैं। ओके, ये ट्राई दिस के 7 के 7 पॉइंट क्या हो चुके हैं, एडिट हो चुके हैं। ओके, नाउ पेज नंबर 62 हो गया, देन डायरेक्टली जंप टू पेज नंबर 67, ओके। पेज नंबर 67 में क्या है, फिर से इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, हमारे जूल साहब, ठीक है। जूल साहब को भी इन्होंने क्या कर दिया, काट दिया, बट डोंट वरी, साइंटिस्ट लोगों के बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल एनालिसिस बताऊंगा, ठीक है, अपनी शॉर्ट्स वीडियो में, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो डाला था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कह सकते हो उसको हम, मैग्नेटोस्फीयर ऑरा के बारे में, ठीक है। वैसे ही मैं इनके बारे में भी डालूंगा काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, एंटरटेनमेंट के तरीके से। अब पेज नंबर 70 में, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेज नंबर 70 में आइए, चलो आ जाते हैं पेज नंबर 70 में, ये जो एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम्पल नंबर क्या है, 3 है, ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल नंबर 3 70 से 71 तक है, ठीक है। तो ये इसको भी क्या कर दिया, एग्ज़ाम्पल 3 को क्या कर दिया इन्होंने, एडिट कर दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या कर दिया इन्होंने, एडिट कर दिया, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 3 आपको आएगा ही नहीं, ठीक है, बट एक बात बता दूँ आपको, ये इकलौता एग्ज़ाम्पल है पूरे टेक्स्ट बुक में से जिसको हटाया गया है, बट मैं आपको एक दूसरी बात बता दूँ, बाकियों के बारे में कुछ नहीं कहा है, मतलब बाकी एक्सरसाइज में से, बाकी सॉल्ड एग्जाम्पल में से आएंगे, सिर्फ ही इकलौता एक अकेला है जो क्या हुआ है, हट चुका है, ठीक है, बाकियों के बारे में नहीं। सो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5 तक के, तो चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के क्या कीजिए, स्प्रेड कीजिए, ओके। सो चलिए, हमारा हो गया यहाँ तक के फिनिश, ओके। हम अगली बार करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, ठीक है, स्टार्ट, चलो बाय एंड थैंक यू वेरी मच।